नमस्कार, मैं हूँ दिव्या। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 जून, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। के पाठक की जगह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का ये संभालेंगे पदभार। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिले इतने सीट। बच्चों की हॉलिस्टिक विकास को परखने के लिए लागू होगा प्रगति कार्ड रिपोर्ट। मनीषा रानी की ये ग्लैमरस तस्वीरें मचा रही धमाल। 15 जून से पहले करा ले केवाईसी, नहीं तो कट जाएगा राशन कार्ड से नाम। आईपीएल में खराब फॉर्म और तलाक की खबरों के बीच हार्दिक पांड्या का बयान आया सामने। अब चलिए बढ़ते हैं अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने निकाली भर्ती। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड ने टेक्निकल असिस्टेंट DU, MTS, ड्राइवर, रेडियोग्राफर समेत कई पदों पर भर्ती निकाले हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 जून है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट www.bcil.com पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पदों पर भर्ती के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें अलग अलग पदों के मुताबिक 10वीं या 12वीं या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जरूरी है। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट को देख सकते हैं। एग्जिट पोल में बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन को मिले इतने सीट। लोकसभा चुनाव के बाद अब सभी के बीच एग्जिट पोल को लेकर खूब चर्चा देखने को मिल रही है। अब इसी बीच बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन को लेकर भी आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक बिहार में एनडीए को 32 से 36 तो इंडिया गठबंधन को इस बार 4 से 6 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। जी न्यूज के मुताबिक बिहार में इस बार एनडीए को 2 से 6 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं इंडिया टीवी सिनेक्स के मुताबिक बिहार में इस बार एनडीए को 40 में से 32 से 35 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा ABPC वोटर्स के मुताबिक बिहार में एनडीए और 34 से 38 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं इंडिया गठबंधन को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। आपके हिसाब से क्या सीटों का बंटवारा रहेगा, हमें कॉमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बिहार के भागलपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। भागलपुर शहर से करीब 50 किलोमीटर पूर्व अतिंजक गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का खंडहर पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस है और विदेशों से भी पर्यटक इस विश्वविद्यालय को देखने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के राजा धर्मपाल ने 8वीं सदी के अंतिम वर्षों या 9वीं सदी की शुरुआत में करवाई थी। करीब 4 सदियों तक वजूद में रहने के बाद 13वीं सदी की शुरुआत में ये नष्ट हो गया। विक्रमशिला के अलावा यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल गैंगटिक डॉल्फिन अभ्यारण्य है, जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। शिक्षकों के प्रति नरम पड़े के पाठक, विद्यालय संचालन के समय सारणी में किया सुधार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बेगूसराय जिले के विद्यालय संचालक शिक्षकों के आने जाने के समय में बदलाव किया है, जिसके बाद शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। DEO ने 1 से 8 जून तक के लिए विद्यालय निरीक्षण का समय 8 बजे से 12 बजे तक निर्धारित किया है, जिससे शिक्षकों को राहत मिली है। बता दें कि पहले शिक्षकों को सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक स्कूलों में रुकना पड़ता था। पिछले दिनों राज्य में कई बच्चों और शिक्षकों के बीमार पड़ने की खबर सामने आने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मामले में हस्तक्षेप कर 8 जून तक के लिए विद्यालय बंद करने के निर्देश दिए गए थे। बावजूद इसके शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा पहले की तरह विद्यालय जाते रहने के निर्देश दिए गए थे। अब नए समय सारणी के जारी होने के पश्चात शिक्षकों ने राहत की सांस ली है। 15 जून से पहले करा ले KYC, नहीं तो कट जाएगा राशन कार्ड से नाम। राशन कार्ड के लिए KYC शुरू हो गया है। प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में राशन कार्ड की KYC की जा रही है और लोगों को 15 जून से पहले KYC करने की सलाह दी जा रही है। जिन राशन उपभोक्ताओं को KYC 15 जून से पहले नहीं होगा, उनका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा, चाहे राशन कार्ड उपभोक्ता का कार्ड आधार से लिंक क्यों ना हो। बता दें कि सभी को KYC का कार्य PDS दुकानदार के यहाँ उपलब्ध मशीन के माध्यम से किया जा रहा है। याद रखें कि KYC कराने के लिए लाभुकों को अपने साथ राशन कार्ड और आधार नंबर लेकर PDS दुकानदार के पास जाना होगा।
के पाठक की जगह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का ये संभालेंगे पदभार। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक 28 दिनों के लिए छुट्टी पर जा रहे हैं। के पाठक की छुट्टी 3 जून से लेकर 30 जून तक रहेगी। के पाठक जब छुट्टी पर रहेंगे तब उनकी जगह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे। इसकी अधिसूचना बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है। आपको बता दें कि के पाठक ने अचानक छुट्टी के लिए आवेदन किए थे। उनके छुट्टी की एक वजह नाराजगी भी बताई जा रही थी। ये नाराजगी स्कूल के टाइम को लेकर था, जहां गर्मी की छुट्टियों में शिक्षकों को स्कूल बुलाने को लेकर काफी विवाद देखने को मिल रहा था। जाने पंचायत सीरीज के माधव को जिनका बिहार से है रिश्ता। पंचायत सीरीज का तीसरा सीजन रिलीज हो चुका है और पहले दो सीजन की ही तरह लोग इस बार भी इसे खूब पसंद कर रहे हैं। इसमें एक कैरेक्टर है माधव, जो पंचायत सीरीज के सीजन दो में अपने परफॉर्मेंस की वजह से खूब सराहा जाता है और माधव का कैरेक्टर हर जुबान पर चढ़ जाता है। अब यही वजह है कि भले सीजन दो में तो माधव का रोल बहुत छोटा था, मगर पंचायत सीरीज के तीसरे भाग में उनके कैरेक्टर को अच्छा समय दिया गया है। पर क्या आपको पता है कि माधव खुद बिहार के रहने वाले हैं और उनका रियल नाम बुल्लू कुमार है। बुल्लू कुमार बिहार के पटना के रंगमंच से निकले हुए रंगकर्मी हैं। जिन्होंने पटना के कालिदास रंगालय से लेकर प्रेमचंद रंगशाला तक कई नाटक किए हैं। बता दें कि मूल रूप से बुल्लू कुमार बिहार के नवादा जिला के रहने वाले हैं। वो रंगमंच करने से पहले नवादा जिले में ही रहते थे। बच्चों के हॉलिस्टिक विकास को परखने के लिए लागू होगा प्रगति कार्ड रिपोर्ट। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले पहले से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों का राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत CBSE स्कूलों के तर्ज पर हॉलिस्टिक प्रगति कार्ड तैयार किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की ओर से विद्यार्थियों के हॉलिस्टिक विकास को परखने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षकों के साथ अभिभावक को भी बच्चों का मूल्यांकन करना होगा और विद्यार्थी भी अपना आत्ममूल्यांकन करेंगे। इस दौरान अभिभावकों के फीडबैक और शिक्षा के अन्य गतिविधियों में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करके ग्रेडिंग की जाएगी। मनीषा रानी की ग्लैमरस तस्वीरें मचा रही धमाल। मनीषा रानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं। मनीषा की इन तस्वीरों को उनके फैंस द्वारा काफ़ी पसंद किया जा रहा है। इन लेटेस्ट तस्वीरों में मनीषा रानी ने क्वाड सेट पहन रखे हैं। मनीषा रानी का ये क्वाड सेट ऑरेंज में प्रिंटेड है। अपनी इन तस्वीरों में मनीषा रानी एक से एक पोज देती नजर आ रही हैं। उनके फैंस मनीषा रानी के इन तस्वीरों की खूब तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या में आई कमी। चुनाव लड़ने वालों की संख्या में 2019 के मुकाबले इस लोकसभा चुनाव में काफ़ी कमी आई है। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में कुल 626 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे। वहीं इस बार प्रत्याशियों की ये संख्या केवल 497 थी। वहीं 2019 में कुल 56 महिला प्रत्याशी चुनाव में खड़ी हुई थी, तो इस बार इनकी ये संख्या महज 39 देखने को मिली है। इस आंकड़े को देखकर ये तो साफ है कि इस बार महिला और पुरुष दोनों ही प्रत्याशियों की संख्या घटी है। शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 3 की तारीख आई सामने। शिक्षक भर्ती परीक्षा 3 की तारीख बिहार में जारी की जा चुकी है। जारी हुई तारीख के मुताबिक इस परीक्षा का आयोजन 27 से 30 जून तक होने वाला है। सभी जिलों के DM को BPSC ने इस संबंध में पत्र भी भेजे हैं, जहां परीक्षा केंद्रों की सूची सभी जिलों को फाइनल करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि तीसरे चरण का परीक्षा कार्यक्रम BPSC की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर फिलहाल जारी नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि परीक्षा कार्यक्रम को भी जल्द जारी किया जाए। आपको बता दें कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 की परीक्षा फिर से आयोजित होगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे चित्रगुप्त श्रीवास्तव के बारे में। चित्रगुप्त श्रीवास्तव हिंदी सिनेमा और भोजपुरी सिनेमा में एक भारतीय फिल्म संगीत निर्देशक थे। इनका जन्म बिहार के गोपालगंज जिले में 16 नवंबर वर्ष 1917 में हुआ था। राजू भारतन के मुताबिक लता मंगेशकर ने चित्रगुप्त के निर्देशन में 240 गाने गाए थे। इनके द्वारा किए गए कार्यों में 1946 में आई फिल्म फाइटिंग हीरो, तूफान क्वीन, लेडी रॉबिन हुड आदि शामिल है। पासपोर्ट बनवाने के लिए इन लोगों को जन्म प्रमाण पत्र की नहीं होगी ज़रूरत। विदेश जाने के लिए लोगों को पासपोर्ट की ज़रूरत होती है। बिना पासपोर्ट के हम किसी भी विदेश की यात्रा नहीं कर सकते हैं।
पासपोर्ट बनवाने के लिए हमें कई दस्तावेजों की भी जरूरत पड़ती है, जिसमें एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ और अन्य दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर कई बार स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी दस्तावेज जमा किए जा सकते थे, लेकिन अब इसमें केंद्र सरकार द्वारा कुछ बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के तहत 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के पासपोर्ट बनवाने के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के तौर पर सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य रखा गया है। हालांकि जिनका जन्म 1 अक्टूबर वर्ष 2023 से पहले हुआ है, वे अन्य दस्तावेज भी जमा कर सकते हैं। 4 जून को मतगणना केंद्रों पर रहेगी ये व्यवस्था। चुनाव खत्म हो चुके हैं, अब इसके मतगणना की बारी है। चुनाव आयोग द्वारा हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक एक सहायक निर्वाही पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है, ताकि मतगणना कार्य का सफल संचालन किया जा सके। आपको बता दें कि जहां भी मतगणना केंद्र बनाए जाएंगे, वहाँ 100 मीटर की परिधि में धारा 144 लगाई जाएगी। यहाँ किसी भी तरह के जुलूस, नारेबाजी के लिए मनाही रहेगी। इसके अलावा बिजली व्यवस्था, पानी, शौचालय, वीडियोग्राफी, विधि व्यवस्था, सफाई, चिकित्सा व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था आदि है। इसके अलावा ईवीएम और वीवीपैट को पुनः सीलिंग आदि के लिए संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अधिक गर्मी के कारण पशुओं में फैल रही बीमारी। अभी पड़ रहे भीषण गर्मी से पशुओं को भी राहत नहीं मिली है, इंसान के साथ पशु भी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दुधारू पशुओं को अधिक गर्मी के कारण दूध उत्पादन की क्षमता पहले से कम हो गई है। दूध के उत्पादन में कमी देखते हुए पशुपालक भी काफी परेशान है। दूध के उत्पादन में कमी के साथ ही जानवरों में कई तरह की बीमारियां भी देखने को मिल रही हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है धूप और गर्मी। किसानों को सलाह दी जा रही है कि अपने पशुओं को धूप और गर्मी से बचाव करें। एक पशुपालक के मुताबिक शीशम और सहजन का पत्ता पशुओं को खिलाना काफी फायदेमंद हो सकता है। इसके अलावा पशु चिकित्सा वैज्ञानिक ने बताया कि मवेशी को 200 से 250 ग्राम गुड़ को 2 से 3 लीटर पानी में घोलकर प्रतिदिन देना है। साथ ही मवेशियों को 2 से 3 टाइम जरूर स्नान करवाएं। आज बिहार के इन जिलों में बारिश की है संभावना। बिहार में चल रहे भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत मिल सकती है। मौसम विभाग द्वारा प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। बता दें कि अधिक गर्मी के कारण लोग प्रदेश में बारिश की राह देख रहे हैं, लेकिन अब बारिश की संभावनाओं के बीच लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। आज बिहार में पश्चिम चंपारण, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि प्रदेश में अन्य जगहों पर मौसम शुष्क रहने की बात कही गई है। मुजफ्फरपुर बैंक से चोरी की घटना को बैंक मैनेजर ने ही दिया था अंजाम। 31 मई की देर रात मुजफ्फरपुर जिले के सकरा थाना क्षेत्र के सकरा बाजार में सत्या माइक्रो फाइनेंस कंपनी में अज्ञात चोरों द्वारा 2,09,810 रुपए चोरी की खबर सामने आई थी। इस मामले को लेकर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे में आरोपियों को पकड़ने के साथ ही रुपयों को भी बरामद कर लिया है। कार्रवाई के दौरान पता चला कि बैंक से रुपए बैंक मैनेजर और 2 स्टाफ ने ही चोरी किए थे, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान मैनेजर ने बताया कि ये लोग पहले से ही करीब 9 लाख रुपयों का गबन अपने ही ब्रांच से कर चुके हैं। पटना में साइबर अपराधियों का आतंक, लालच देकर घटना को देते हैं अंजाम। राजधानी पटना में साइबर अपराधियों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। पटना के कोतवाली थाना से कुछ दूरी पर स्थित इंडियन बैंक कार्यालय के कैशियर की सूझबूझ की वजह से 2 साइबर अपराधी पुलिस के शिकंजे में आए हैं। जानकारी के अनुसार इंडियन बैंक में 53,000 कैश 2 लड़कों द्वारा विड्रॉल स्लिप का उपयोग करने पर भी नहीं निकलने पर खाता ब्लॉक की जानकारी कैशियर द्वारा खाता धारक यीशु कुमार को दी गई, जिसके बाद यीशु और उसके साथ ही उलझ पड़े, जिसके बाद उन्हें गार्ड की मदद से पकड़ कर पुलिस के हवाले किया गया। पूछताछ में पता चला कि दोनों साइबर अपराधी थे, जो लोगों को 5 से 10 हज़ार का लालच देकर बैंकों में खाते खुलवाकर उनका पासबुक, एटीएम रख उस खाते से ठगी कर रुपए का ट्रांजैक्शन किया करते थे। जल की समस्या को दूर करने जल संसाधन विभाग लाएगी जीवछ लिंक परियोजना। जिले में बढ़ती जल समस्या को देखते हुए किसानों और आम परिवारों की मदद के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा जल्द ही एक परियोजना लेकर सामने आने वाली है। इस परियोजना को कमला जीवछ योजना का नाम दिया गया है। योजना के तहत क्षेत्र के कई नहरों में अलग अलग केनल बनाए जाएंगे और उसके जरिए वाटर सप्लाई किया जाएगा। साथ ही बाढ़ से बचने के लिए अलग अलग नहर को जोड़ने वाले कैनाल के अलग अलग चैनलों में
AFS यानी एंटी फ्लडिंग स्विच लगाए जाएंगे। बता दें कि मधुबनी जिले में जल का संकट गहराते जा रहा है, जिसकी वजह से सारे चापाकल हैंडपंप सूख गए हैं और आम लोगों को पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। रामकृपाल यादव पर फायरिंग घटना की जांच के लिए SIT गठित, फायरिंग के नहीं मिले सबूत। शनिवार की रात पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव के काफिले पर हुए फायरिंग मामले की जांच के लिए SIT का गठन किया जा रहा है। इसकी जानकारी सिटी SP भरत सोनी ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया है। इस मामले में अभी तक 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। वहीं गोपालपुर मठिया के विकास कुमार नामक एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। हालांकि भरत सोनी ने बताया है कि रामकृपाल यादव के काफिले पर गोली चलने के सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। सिटी SP के अनुसार डॉग स्क्वाड की हेल्प से तलाशी जारी है। सम्राट चौधरी ने कहा, हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं लालू यादव। रविवार को भाजपा कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पाटलिपुत्र सीट से भाजपा प्रत्याशी रामकृपाल यादव पर फायरिंग और भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट के मामले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव नहीं बदले। उन्होंने लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगाया कि वे अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि पूरे बिहार में शांतिपूर्ण चुनाव हुए, जबकि 2 सीट सारण और पाटलिपुत्र जहां से लालू प्रसाद यादव की 2 बेटियां चुनाव लड़ रही हैं, वहीं हिंसा देखने को मिला है। सम्राट चौधरी ने आरोप लगाते हुए कहा कि लालू यादव और उनका परिवार लोकतंत्र को शर्मसार करते हुए हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं। राजद के मनोज झा ने PM मोदी को लेकर कही ये बात, चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल जारी किए जा रहे हैं। सामने आए एग्जिट पोल को लेकर खूब सियासी हंगामा देखने को मिल रहा है। अब इसी बीच राजद सांसद मनोज झा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अभी 4 जून का इंतजार किया जाना चाहिए, जिस दिन वास्तविक नतीजे आएंगे। आगे उन्होंने कहा कि PM मोदी ने इस चुनाव के दौरान मुद्दों पर आधारित एक भी बात नहीं की है, इसके बावजूद अगर वो फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं तो मुझे चिंता होगी। आगे राजद सांसद ने कहा कि PM मोदी का बयान भैंस और मंगलसूत्र से शुरू हुआ और मुजरा तक पहुंच गया, इसके उलट तेजस्वी ने रोजगार की बात की है, सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात की है। IPL में खराब फॉर्म और तलाक की खबरों के बीच हार्दिक पांड्या का बयान आया सामने। हार्दिक पांड्या अभी कई परेशानियों से गुजर रहे हैं, चाहे वो परेशानी उनके प्रोफेशनल लाइफ की हो या पर्सनल लाइफ की। अभी हाल में ही IPL में उनका प्रदर्शन थोड़ा निराशाजनक था, साथ ही इन दिनों उनकी पत्नी के साथ उनके तलाक की खबरें भी जोर पकड़ रही हैं। अभी हाल में ही पांड्या ने बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को खेले गए वार्म अप मैच में 30 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली है। उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से बातचीत करते हुए बताया कि वो जब बुरे दौर से गुजर रहे होते हैं तब उस समय में वापस आते हैं जब उनके लिए चीज़ें अच्छी नहीं थी और उन्हें मौका नहीं मिल रहे थे। उन्होंने कहा, मैं अब उस जोन में हूँ जहाँ मैं वापस जाता हूँ जब मैं 16 साल का था, क्योंकि वही पांड्या मेरी असली मोटिवेटर है, क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म सेट नहीं किया होता तो मैं यहाँ नहीं होता। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 1867 में भारत के प्रसिद्ध शिक्षाविद, राजनेता, समाज सुधारक, न्यायविद और लेखक हरविलास शारदा का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1901 में ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता महाकवि जी शंकर कुरूप का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1915 में ब्रिटिश सरकार ने रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि से नवाजा था। आज के दिन वर्ष 1918 में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में इंदौर में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1924 में तमिलनाडु के 5 बार मुख्यमंत्री रहे M. करुणानिधि का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1947 में ब्रिटिश राज में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के बंटवारे का ऐलान किया था। साइबर ठगों से बचाव के लिए गूगल ला रहा है ये फीचर। साइबर ठग लोगों से ठगी के लिए कई तरह के पैंतरे अपनाते हैं, लेकिन अब गूगल इस साइबर ठगों से आम लोगों को बचाने के लिए एक नया फीचर लेकर आ रहा है। गूगल का ये नया फीचर लोगों को ठगी से बचाएगा। गूगल के इस नए फीचर का नाम जेमिनी नैनो होगा। आपको बता दें कि गूगल का ये फीचर AI बेस्ड कॉल डिटेक्शन फीचर है, जो आम लोगों को साइबर ठगों से सतर्क करेगा। मान लीजिए यदि किसी साइबर फ्रॉड का आपके पास कॉल आता है और वो खुद को बैंक का कर्मचारी बताएगा और पैसों की ठगी के प्रयास करेगा, तो गूगल का ये फीचर आपको अलर्ट करेगा। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे, उससे जवाब बताएंगे, जो कि BPSC, बिहार पुलिस, दरोगा समेत SSC जैसे नर प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, 1946 में तहेगा आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी ए टेम्पलेट,
ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है बंगाल, इसका सही उत्तर है बंगाल। वंदे मातरम किसने लिखा था? ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ऑप्शन सी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ऑप्शन डी है विक्रमादित्य ने, इसका सही उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दरोगा समेत एसएससी जैसे नए प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है यह हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, सम्राट अशोक ने अपने शासन काल के किस वर्ष में बोधगया की यात्रा की थी? ऑप्शन ए है 8वीं, ऑप्शन बी है 10वीं, ऑप्शन सी है 15वीं, ऑप्शन डी है 20वीं, इसका सही उत्तर है 10वीं। मनुस्मृति की रचना किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए है मौर्य काल, ऑप्शन बी है शुंग काल, ऑप्शन सी है गुप्त काल, ऑप्शन डी है पाल काल, इसका सही उत्तर है शुंग काल। HINI विषाणु का प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ऑप्शन ए है एड्स, ऑप्शन बी है बर्ड फ्लू, ऑप्शन सी है डेंगू, ऑप्शन डी है स्वाइन फ्लू, इसका सही उत्तर है स्वाइन फ्लू। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 180 देशों में से कितने स्थान पर है? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी है 155, ऑप्शन सी 159, ऑप्शन डी 160, इसका सही उत्तर 159। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी है 2 मई, ऑप्शन सी है 3 मई, ऑप्शन डी है 4 मई, इसका सही उत्तर है 3 मई। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देने के नाम है प्रवेश कुमार, कमल कुमार, निवास, राजीव कुमार, रवि कुमार, राम, उपेंद्र कुमार, गुनर शर्मा, अनवर करीम खान, राम बाबू दास, साहिल यादव, बिरजू कुमार, ओम प्रकाश कुमार, बिरजू कुमार, उमेश ऋषिदेव, अरविंद कुमार। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, बिहार के प्रसिद्ध कलाकारों में आपके फेवरेट कौन हैं? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।